एक ही पीस है सिंगल। तो गाइज रोल एंजॉय करते हुए। सो गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्ती होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो सबको सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। तो गाइज आज का दिन भी शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि पूरा घर साफ हो रहा है, सफाइयां चल रही हैं। देखो शालू देखो सफाई कर रही है, खाना मंगा दिया गया है। और सबसे बड़ा रीज़न क्या है, मैं भी फटाफट रेडी हो चुका हूँ क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ और हमारे घर सबसे स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, उनको रिसीव करने जा रहा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और ये मैडम उदास हो रही है कि मुझे नीचे क्यों नहीं उतार रहा है, क्योंकि नीचे फ्लोर सारा गीला है, इसको उतार नहीं सकते, ये बदमाशी कर रही है और ये पूरी गंदी हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेशल गेस्ट कौन है तो आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो चलते हैं फटाफट। एंड इवन गाइज हमारा जो जैन चावल वाला व्लॉग है वो भी पब्लिश हो गया है, प्लीज जाइए देखिए और प्यार दीजिए। फटाफट मैं हेलमेट ले लेता हूँ यार, ये हेलमेट ले लेता हूँ, दोनों लेने पड़ेंगे भैया। गाइज फटाफट चलते हैं। तो गाइज मैं आ चुका हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हमारे गेस्ट आई गेस आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो थोड़ा सा मुझे पार्किंग देखना पड़ेगा कि पार्किंग कहाँ लगानी है, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा है। सो गाइज जो हमारे गेस्ट आ चुके हैं, ट्रेन आ चुके हैं उनके, और वो बस पूछ कर मेन एंट्रेंस के बाहर आ रहे हैं और ये मेन एंट्रेंस है। जैसे ही वो बाहर आते हैं फिर हम उनको बिठाते हैं और ले चलते हैं घर। तो गाइज मेहमान घर आ चुका है आराम से और मैं किसी काम से बाहर आया था और आज का दिन पैंथर राइड करने का ही दिन है। पैंथर चलाते चलाते यार मुझे भूख लगी तो मैंने कहा पेट पूजा कर लो, और पास ही यहाँ हमारे राजेंद्र नगर के पास रोल की बहुत सारी दुकानें थी। तो यहाँ आके मुझे पता चल रहा है कि 4 से 5 महीने पहले ये सारी दुकानें बिक चुकी हैं। हाँ ये दुकानें थी, ये शटर आप देख रहे हो ये बंद है। यहाँ पे इतना क्राउड होता था स्कूल का, कॉलेजेस का, ऑफिसेस का या जर्नल जो क्राउड होता है, बट अब नहीं मिलेगा। कि जो मेरा रोल खाने का मूड था वो स्पॉइल हो गया, अब कहीं और देखना पड़ेगा। तो चलते हैं यार कहीं और। ये रैप रोल वाले हैं तो यहाँ से खाते हैं रोल और फिर चलते हैं। तो गाइस ये मेन्यू है इनका और जो मेरा रोल है वो वेज रोल है इसका। तो गाइस फाइनली रोल मिल गया, एंजॉय करते हुए। रहा नहीं जाता। तो गाइस ये सारी है रोल्स की दुकान, ये रैप्स है, आगे शॉर्मा किंग है और ये करोलबाग मेट्रो स्टेशन है, उसके बिल्कुल बैक साइड में। मतलब मल्टी वैरायटी ऑफ आपको रोल्स खाने हो तो आप बैक साइड आ सकते हैं। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ, रोल अच्छा था बट मैं ये नहीं कहूँगा कि ज्यादा अच्छा था। तुम पीछे से रोल खा गए हो? पीछे से रोल तो ऐसे कह रहे हैं कि इतनी बड़ी चीजें मैं कभी खा नहीं सकता। एक्चुअली मैं कहीं गया था, आर्ड एंड स्पाइसी से हम ऑर्डर करते थे, वो बंद हो चुकी है, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही बिक चुकी। तो रैप से मैंने खाया बट उसका टेस्ट यार मैं आपको जेन्युइन फीडबैक दूं तो मेरे को उस लेवल का लगा नहीं यार। घर आ चुका हूं तो फिर पूछ रहा हूं कि गेस्ट के लिए हमारे कुछ लेकर आना है, उनके लिए भी तो खातिरदारी करनी है। भाई का कॉल आया था कि वो भी आ रहा है तो मैंने उसको बोला फिर तू ही लेकर आ जाइयो, तो वो शायद कुछ लेकर आएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और जो भाई हमारे गेस्ट हैं हमारे अमरूद लेकर आए हैं, बड़े अच्छी लग रही है। क्या बात है गाइस, ये देख लो बहुत अच्छी लग रही है। मेहमान आए और अमरूद लेकर आए, अमरूद शालू के बहुत ज्यादा फेवरेट है। और दूसरी चीज जो गेस्ट है ना वो अभी आपको नहीं मिलवाऊंगी उनसे, गजब बेइज्जती है। अमरूद खाने जा रही है तो अपना रोल खाकर आ गए हैं। हाँ यार मैं रोल खा के आया हूँ बट मैं अनसेटिस्फाइड हूँ, वो टेस्ट उस लेवल का नहीं है। हाँ मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। ये देखो ये देखो, अकेले ही प्लेट में खा के अकेले ही खाने लग गई हैं। बहुत ज्यादा मीठे हैं, बहुत ज्यादा। गाइस जेन्युइनली यार मीठे बहुत हैं। और गाइस ये बदमाश भी उड़ गया क्योंकि इसको अमरूद की ना खुशबू आ चुकी है। ये देखो ये देखो ये देखो मैडम को। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी, ये स्ट्रेचिंग चल रही है इसकी, स्ट्रेचिंग। अभी मिलेगा खाना आपको, खाओगे? चलो मम्मी को बोलता हूँ थोड़ा सा दे दो यार शालू इसको। हाँ दे दो। गाइस मैं किसी काम के लिए ना अभी बाहर जा रहा हूँ, एक बार फ्रेंड का कॉल है कुछ जरूरी काम के लिए और उसका कुछ सामान पैंथर के अंदर पड़ा है, वो इसको वापस करके मैं भी आता हूँ। और बीच में मैं जा रहा हूँ, अगर कुछ खाने का हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं वो भी लेता आऊंगा। तो गाइस मैं आ चुका हूँ डी मार्ट, एक्चुअली अडोरा के लिए पेपर रोल लेना था और देखते हैं अगर कुछ और सामान माइंड में आया था तो वो लेते हैं। तो फटाफट चलते हैं और लेके आते हैं। तो गाइस ये मैं आ चुका हूँ डी मार्ट। गाइज ये बेस्ट है, ये 300 रुपीज में 10 रोल आपको मिल जाएंगे। तो गाइज फाइनली मुझे याद आ गया था मैं बाहर आया था तो ये लेना बहुत जरूरी है क्योंकि शुशु पॉटी इससे सबसे ज्यादा साफ होती है और अपने हाथ कौन यूज करे। बहुत तेज हो रहा है। तो अब चलते हैं घर और आशीष भी आ चुका है और मेहमान भी आ चुका है, आपसे मिलवाते हैं। मतलब फेस रिवील नहीं करेंगे वैसे आपसे मिलवाएंगे, तो चलते हैं। भाई वाह, आज तो तू बहुत कुछ लेकर आ गया, इतना सारा खा लेंगे हम।
सब खाएंगे सारा खत्म हो जाएगा। तो ये वैसे मेरी फेवरेट है और भाई की भी फेवरेट, मैंने बना दी है। और ये क्या है, ये भी वही फ्राइड राइस, अलग अलग जगह का है ना दोनों, एक है वांचू वर्ड। तू तो बहुत पतला हो गया है सही में। हाँ तो बोट होंगे ना खा के दोबारा। चलो ठीक है फिर ये खाते हैं। और अडोरा को भी हमने थोड़ा सा इसमें से निकाल के दे दिए। हाँ ये देखो अडोरा भी खा रही है चिकन। आ जाओ चिकन खा लो और आप लोग भी खा लो। सो भाई मोमोज आ गए। अब मेरे को तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। आधी जो आप लेकर आए थे ना बहुत बकवास थे। हाँ बहुत ज्यादा, तो ये स्टीम वाले हैं। आप खा लो, आप भी खा लो, आप भी खा लो। तो मैं तो भाई ये खाने जा रही हूँ। तो गाइज अभी हम चलते हैं यहाँ पे खरोड़े लेने, क्योंकि यहाँ पे सबसे पॉपुलर कार्ट है और आशीष को मज़ा ही आ जाएगा। आशीष ने कहा है कि यहाँ का सबसे बढ़िया खरोड़े वाला बताइए, तो चलते हैं वहीं पर। तो गाइज ये है खरोड़ों की शॉप, सबसे पॉपुलर शॉप। जब भी आपने आना है रामजस स्कूल के बाहर और स्प्रिंग डेल्स के बाहर। तो गाइज ये है सुभाष जी खरोड़े वाले, और भैया भी बहुत मस्त है, और उनका जो यहाँ पे बनाने का स्टाइल है वो बहुत मस्त है। यहाँ देख रहे हो इस स्टॉल पे है मगज, और उस स्टॉल पे वो भैया खड़े हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगे खरोड़े। वो भैया हैं शोएब अख्तर शकल के। तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, जब भी आए हमेशा खाइए यहाँ पे आके। तो ले आए आप? बिल्कुल बिल्कुल, आशी को तो मज़ा ही आ जाएगा, आशी यहाँ का फ़ैन हो जाएगा कि यार जब भी आना, जब भी आना सर्दियों सर्दियों में रोज़ खरोड़े लेकर आना, इतना टेस्टी सीरियसली। फ्रेगनेंस ही कितनी अच्छी है यार, शोएब अख्तर जैसा उनका फेस है, रिजेम्बलेंस वैसा ही है, आप पहचान जाओगे। हाँ सीरियसली। कैसा लगा फिर? अच्छा है। अडोरा को देखो कैसे वो पीछे पड़ी हुई है। नहीं अच्छा तो होगा यार, मिर्च भी बढ़िया है। और यहाँ का बहुत पॉपुलर है, आज का नहीं है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, स्प्रिंगडेल स्कूल और रामजस के बीच में है, पेट्रोल पंप के साथ में। सुरेश जी खरोड़े वाले, शोएब अख्तर जिनका रिजेम्बल है वही है। हाँ मेरे को लगते ही वही है, पहले उनके बाल यहाँ तक थे ऐसे ऐसे कर करके, तो बहुत अच्छा है, टेस्ट करते हैं अब। गाइस ये जो है ना ये है ब्रूनी, बहुत तेज है, बहुत तेज है, बट बहुत स्वीट भी है। और ये है कालू, अब ये डोंट नो ये इसका भाई है या इसका फादर है या कजन ब्रदर है, आई डोंट नो। ये बहुत तेज है दोनों के दोनों। नहीं कालू नहीं, बुरी वहाँ नहीं जाना, वो कैट का है, वहाँ नहीं जाना, इधर आ जाओ। तो गाइज अभी डिनर करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं है यार, मेरा पेट ऐसा लग रहा है कि ना बाहर ना फट के कुछ बाहर ना आ जाए। तो बहुत ज़्यादा खा लिया है और सूप भी पी लिया है, सूप इतना ज़्यादा हैवी था और खाने खाने का मन नहीं कर रहा। तो अभी फ्रेंड का फ़ोन आया है कि गुरुद्वारे जाना है, तो जब गुरुद्वारे जाना है तो यार कोई भी ऑल्टरनेट ऑप्शन या कोई एक्सक्यूज़ होना ही नहीं चाहिए। बाबा जी की ब्लेसिंग्स कभी भी मिल जाए चलना चाहिए, तो चलते हैं गुरुद्वारे आज, फिर ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। चलिए तो गाइज मैं गुरुद्वारे से आ चुका हूँ, मज़ा आ गया सेवा करके। और ऐसे ही बाबा जी रोज़ बुलाएं अपनी सेवा करने के लिए, बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है, आई होप आपको भी मिलता होगा। और आप ये देख सकते हैं मैडम को, ये मैडम को अब मेरे साथ खेलना है, क्योंकि इन्होंने खाना खा लिया है और ये दो घंटे से सो रही थी। टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं, और अब हमारा काम आ चुका है एडिटिंग का। शालू सो चुकी है और जो हमारे मेहमान हैं वो भी रेस्ट कर रहे हैं। गाइज उनके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी रिवील नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा सस्पेंस है, आपको बने रहना पड़ेगा। ठीक है तो अभी हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज़ मुसाफिर विद माइक। अरे रहने दे अभी एंडिंग तो करने दे, कम से कम यार खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे। तो गाइज इस अभी ये खेलने के मूड में मैं नहीं चाहता कि ये इरिटेट हो जाए, तो मैं इसका थोड़ा सा खेल लेता हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, शब्बा केयर, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, डू लव एंड स्प्रेड लव। अब बाय 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 बाय, अच्छा बाय तो करने दे, बाय बाय यार, अच्छा बाय 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 बाय।